नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन आपको ये शो करना है. तो आपके पास क्या है, लेट ए सबसेट ऑफ बी आपके पास गिवन है. प्रूफ क्या करना है आपको, ये टू प्रूफ सी माइनस बी इज कंटेन्ड इन सी माइनस ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस. तो मैं एक एलिमेंट एक्स लेके चल रही हूँ जो कि बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी को. तो अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी को, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, c माइनस बी, मतलब c का एलिमेंट चाहिए मुझे, b का कुछ भी नहीं चाहिए. इसको मैं और अदर लैंग्वेज में लिख सकती हूँ कि x बिलोंग कर रहा है c को, लेकिन एंड x बिलोंग नहीं कर रहा है b को. और यहाँ पे मुझे गिवन है कि अगर a सबसेट है b का, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर x बिलोंग कर रहा है a को, तो x बिलोंग करेगा b को भी, क्योंकि सबसेट है, कंटेंड करेगा a का एलिमेंट b में. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि अगर x मेरा c को बिलोंग कर रहा है, तो मैं x की b की जगह a लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है बिकॉज a इज़ कंटेंड इन b. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ b की जगह a. और इसको मैं फिर से वापस क्लोज करके लिखना चाहूँ वही लैंग्वेज में, तो मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग कर रहा है c माइनस a को, मतलब c को, x का एलिमेंट c में तो है, लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी a में. तो उसको मैं लिख सकती हूँ एज x बिलोंग कर रहा है c माइनस a. तो जो हमारा x एलिमेंट है बिलोंग कर रहा था c माइनस b को भी, अब यही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है c माइनस a को भी. तो आपका यहाँ से प्रूव हो जाता है कि c माइनस b जो x कॉमन एलिमेंट है वो दोनों में है. तो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, हैंस प्रूव्ड. नो सी क्वेश्चन नंबर 6. एज्यूम दैट पावर सेट a इज इक्वल्स टू पावर सेट b. तो आपको शो करना है कि क्या शो करना है, a इक्वल्स टू b भी इक्वल है. आपके पास दो पावर सेट गिवन है, तो आपको बस शो करना है. टू शो में आपको करना है इक्वल्स टू b आए आपका, ठीक है. तो सबसे पहले मैं इस सेट लेट x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रही हूँ. ऑफ a सेट, ठीक है. a सेट में एक x एक एलिमेंट है. देन देयर एग्जिस्ट सबसेट लिया मैंने x, कैपिटल x लेके चल रही हूँ मैं. x एक एलिमेंट है जो कि a सेट में है, और a का सबसेट जो है वो x लेके चल रही हूँ. देयरफोर x बिलोंग करेगा इस सेट में, सबसेट ऑफ a में. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x जो है मेरा सबसेट है a का. a एक प्रॉपर बड़ा सेट है जिसका सबसेट है x. तो x इज़ अ सबसेट ऑफ a, ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग करेगा एज अ एलिमेंट इस पावर सेट में. क्यों? क्योंकि पावर सेट में सारे सबसेट्स आते हैं, उसके जितने स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सबसेट्स ब्रेक फॉर्म में लिखते हैं, वो उसमें कंटेंड होंगे एज एन एलिमेंट इन पावर सेट. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ b को भी. क्यों? क्योंकि मेरे पास गिवन है पावर ऑफ a इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वही बैक करके, जैसे ये इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a था, सबसेट ऑफ b. x ऐसे ही सबसेट है b का. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x b को भी बिलोंग कर रहा है, x जो एलिमेंट है हमारा b में भी है. तो देयरफोर यहाँ से पता चलता है कि जो x हमारा a में भी है और ये वाला एलिमेंट b में भी है, देयरफोर a इज सबसेट ऑफ b. क्योंकि a इक्वल्स टू b आप कैसे इक्वल कर सकते हैं, जब a कंटेंड करेगा b में और b कंटेंड करेगा a में, तभी आपस में इक्वल्स टू b आएगा. तो अभी हम देखें ये वाली साइड भी प्रूफ करेंगे. यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ लेट y b एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ b. अब यहाँ पे मैं b से स्टार्ट कर रही हूँ. देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट y ऑफ सेट b सच दैट, जो y वाला छोटा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा इस सबसेट ऑफ b में. अब b का सबसेट लिया मैंने एक y. तो जैसे यहाँ पे प्रूफ किया ऐसे ही, सेम वैसे ही y एक सबसेट है
बी का, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकती हूँ वाई एज अ एलिमेंट बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में. अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वाई बिलोंग्स करेगा ए में भी, क्यों, क्योंकि हमारे पास पी ए इज इक्वल्स टू पी बी गिवन है. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वाई सबसेट है ए का भी, और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वाई एज अ एलिमेंट वो ए में भी बिलोंग कर रहा है. तो जब मेरा वाई बिलोंग कर रहा है ए में भी, वाई बिलोंग कर रहा है बी में भी, तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा बी कंटेंट कर रहा है ए में भी. बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, ए के जितने एलिमेंट्स वो बी में हैं, ये आपस में सबसेट हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे. हैंस प्रूफ. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. वो पूछ रहा है इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, जो आपकी ये स्टेटमेंट, क्या ये ट्रू है. वो क्या है स्टेटमेंट, कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. अब इसको मुझे प्रूफ कर रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू शो इट दैट इट इज़ ट्रू और नॉट. सबसे पहले लेट एक सेट ले लेते हैं ए 0,1, ऐसे ही मैंने बी लिया है 1,2. अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, क्योंकि आपको पावर सेट ए यूनियन बी का भी चाहिए, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा 0,1,2. नाउ अब इनके क्या निकालने हैं आपको, सिंपल पावर सेट निकालेंगे और आपको इनकी वैल्यूज इसमें इक्वल करके देखनी है कि इक्वल आ रही है कि नहीं. अगर नहीं आ रही तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नहीं तो ये सही है. तो मैंने पावर सेट ऑफ ए निकाला, तो मेरा पावर सेट ऑफ निकाल के आया है 5, 0, 1 और 0,1. और पावर सेट ऑफ बी निकाला है मैंने, तो 5, 1, 2 और 1,2. ऐसे ही ए यूनियन बी का पावर सेट निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा, 5, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 2. बस आपको ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी आपका एलिमेंट रिपीट आउट ना हो. तो ये आपका पावर सेट ए यूनियन बी आ गया है. अब इन दोनों से जो आपने अलग अलग पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी निकाले हैं, इनको अलग अलग कंबाइन करके इनका यूनियन निकालेंगे. तो आपको यूनियन लेना है इन दोनों का, तो वो क्या आ रहा है, 5, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2. अब आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इन दोनों में एक तो एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ऊपर से वैल्यूज डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसमें वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं हैं. तो जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है. जो आपका पावर सेट यूनियन निकाला आपने और इक्वल्स टू ए यूनियन बी निकाला, वो आपका नॉट इक्वल्स है, तो फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, आपका ये आपस में इक्वल है, आपको प्रूव करना है. तो सबसे पहले ए इक्वल्स टू मैं लिख देती हूँ, इधर आपकी ए माइनस बी, एक आपको ये इक्वल्स प्रूव करना है, और इधर है बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी. सबसे पहले मैं इस साइड को प्रूव कर लेती हूँ. तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से लेके चल रही हूँ और मैं लेफ्ट हैंड साइड तक इसका आंसर आना चाहिए, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा. तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन टाइम्स ऑफ ए माइनस बी. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी को हमने वैसे लिखा, ए माइनस बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए का एलिमेंट चाहिए लेकिन मुझे बी का कुछ भी नहीं चाहिए. तो इसको हम और अदर लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, ए का तो चाहिए, इंटरसेक्शन बी का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं. तो हम इसको जब भी ए माइनस बी की फॉर्म को इंटरसेक्शन यूनियन के फॉर्म में लिखना हो, तो हम उसको ऐसे ही हमेशा ब्रेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही सपोज इधर बी माइनस ए है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, इसको मैं लिखूँगी बी का मुझे कुछ नहीं चाहिए, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, आई मीन बी चाहिए, ए का कुछ भी नहीं चाहिए.
तो बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट को मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज आउट करके लिख रही हूँ, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखिए, जब आप इस स्टेटमेंट को खोलेंगे तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट आएगी। देखिए खोल के एक बार, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑपरेशन लगा, सेम ए इंटरसेक्शन उसके साथ भी जाएगा। आप देखिए देख सकते हैं सेम वही स्टेटमेंट आई है। तो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को लाइक दिस कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन। नाउ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल के इक्वल होता है। ये आपको मैंने वेन डायग्राम जब करवाया था आपको बताया हुआ है कि जो हमारा बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। देखिए सपोज ये मेरा बी है, बी क्या हो गया ये, और सेम बी यही है, और बी का कॉम्प्लीमेंट बाहर का हिस्सा। अब दोनों का यूनियन लेना है तो ये सारा पार्ट आएगा, तो इसलिए ये यूनिवर्सल आ गया पूरा का पूरा, इसलिए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल लिखा है। नाउ ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी ए, तो ये आपका इक्वल्स टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। अब ऐसे ही ये आपको सिमिलरली वे में प्रूव करना है। इधर मैं सपोज लेफ्ट हैंड साइड से लेके चल रही हूँ, आपके पास क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ए यूनियन इसको कैसे ओपन करना है, बी आपको पास चाहिए, ए आपके पास नहीं चाहिए, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अभी इसको आप ओपन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी सेम मल्टीप्लाई विद दैट एंड आपका ऑपरेशन क्या लगेगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। नाउ अगेन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट कम्स टू बी यूनिवर्सल। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका ए यूनियन बी आएगा जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। बाकी को क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो।